अरे इसको क्या हो गया? अरे ये मर गया क्या? ये बेहोश हो गया। पीने जाएंगे। वेरी गुड मॉर्निंग। अब हम पीने जा रहे हैं कॉफी एंड रेडी फॉर वॉक। कॉफी पियेंगे और वॉक करेंगे। बहुत ज्यादा ठंड है बाहर, मैं अभी गया था बाहर, ऐसी लगी। अभी जा रहे हैं चाय कॉफी के लिए, उसके बाद आगे बताएंगे आप। बाहर का व्यू देख रहे की मॉर्निंग में कसोली में कैसा व्यू रहता है। तो वैसे तो ठंड है यहाँ पे बहुत ज्यादा, बहुत फाड़ू वेदर है भाई। बादल नीचे आ रहा था, मैंने पत्थर मारा, बीच में से पानी आ गया। बहुत सही। मैं वहां पे पुशअप मार के आया हूं। क्या वेट कर रहे हैं भाई, बस निकले साले, इनकी बकचोदी खत्म हो तो निकले। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बहुत सही लग रहा है। अभी हम आए हैं चाय कॉफी के लिए। तो ऐसा लग रहा है कि आप कसौली में नहीं हो, आप भी इतनी दूर चले गए हो पहाड़ों में और खो गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे रास्ता बना हुआ है। और ये दिस प्लेस इज बेटर देन दैट प्लेस, रियली ऑसम। देखो यार सुबह कितना अच्छा, बिल्कुल भीड़ नहीं है, खाली रोड पड़ी है और इतना अच्छा मौसम है। जिधर से हम आए हैं उस साइड में चर्च है, ये चर्च की लाइन है नीचे से जाके, इधर चर्च है, ये सीधी मॉल रोड है, इसके आगे हेरिटेज मार्केट है, बिशप बंदा है, और कॉफी बन गई है, चाय बन गई है। तभी हम भाई चाय पी ली, वॉक कर रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं। दुकानें ओपन हो रही हैं धीरे धीरे, अभी खाने पीने की तो पड़ ही रही है, थोड़ी थोड़ी कल से बात चल रही है साथ साथ में। 80% मार्केट बंद है अभी। आपको कैसा लग रहा है कसौली, बताओ यार कमेंट्स में। अपने अपने में कॉफी, ये जो भी शहीद है उनका काफी यहाँ पे देखो सम्मान यहाँ पे। ये मेरे को तीन चार बार बॉर्डर मैंने रस्सी में देखी है, आर्मी का एरिया है, काफी रिस्ट्रिक्टेड सा एरिया है। ये शांति है यहाँ पे यार, हल्की हल्की बारिश है, ठंड भी है, देखिए कितना शांत एरिया है, बिल्कुल करण तेरे को कैसा लग रहा है यार यहाँ पे, या क्या फीलिंग आती है यहाँ पे? बहुत अच्छा है ना, इनका आर्किटेक्चर पुराना पुराना था, चर्च है, ओल्ड मार्केट है। सब पॉइंट यहाँ से कितना दूर होगा? अभी तो ये 1.5 किलोमीटर, लेकिन जाएंगे क्योंकि आपको दिखाना है। नो क्राउड, नेचर देखो यार, ऑसम वेदर, ठंडा मौसम है इस टाइम पे भी। देखो चंडीगढ़ पहुंचेंगे तो ऐसी तैसी हो जाएगी। अरे नहीं, ये माहौल बना है जैसे किसी हॉरर फिल्म में होता है, ऐसा लग रहा है भाई। यहाँ पे एक CRI भी आगे जाके है, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी ये थंडरस्टॉर्म गिरी होगी, है ना पंकज? ट्रिप में आके सिर्फ फोटोज खिंचवाई है, 4 फोटो करवाई है यार स्टोरी डालने के लिए भाई। और तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा 500 फोटो खींची इसकी। माय प्लेजर ब्रो। अभी हवा चलने लगी है यार तेज, और भी होगा यहाँ पे, सिर्फ मेंबर्स ही अलाउड है अंदर, अंदर नहीं जा सकते। वहाँ पे दिखा सकते हैं कि 1880 में ये बनाई है क्लब। इसे क्या है उसको देखा, टेनिस क्लब की प्रॉपर्टी है ये, खा ले उसको। ये देखो यार, ये जो टर्न है ना थोड़ा पीछे ना, बिल्कुल नहीं यहाँ पे जान के धुंध के साथ ना बिल्कुल ही दिख नहीं रहा था कुछ हमें। ये यार देख, ये तो यार 15 मिनट में हम मिलेंगे आपको सनसेट पॉइंट। सो गाइस दिस इज द प्लेस सनसेट पॉइंट कसौली, 3 किलोमीटर दूर है माल रोड से। अभी इसका व्यू लेते हैं। इधर देखो फोग कितनी ज्यादा है यार, ये फोग नहीं है, ये क्लाउड का मेबी है ना, क्लाउड का ये खाली मेन। ये जो सनसेट पॉइंट है ये 3 किलोमीटर होगा मॉल रोड से भाई। बंदर ये देखो पहनना, तो अब हम 2 पैरों पे चल सकते हैं। अब ये 2 पैरों तो चल ही रहे हैं, साथ में देखो कैब वगैरह फोन वगैरह चलाना अब ये सीख गए हैं, शुरू हो गए हैं। ये देखो ये अभी ऑफ कैमरा में ये थोड़ा ये देखो ये सीधा इधर से आए हैं हम इधर से आए हैं घूमते हुए, लेकिन इन ये दोनों लोग इधर से आए हैं। अब हमें 2 दोस्त मिले हैं तो हमने सोचा है कि चलो थोड़ा गिलबर्ट ट्रेल है वहाँ पे भी चलें। इन्होंने बताया था कि बहुत अच्छा है भाई, हमने सोचा था हम ट्रक पे जाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रास्ता बड़ा सही है यार, साफ सुथरा सा मिल गया हमें।
तो गाइस अभी हम गिलबर्ट ट्रेल चल रहे हैं। एक कपल मिला, उन्होंने हमें बताया ये है। अकेले जाने में थोड़ा डर रहे थे तो मैंने अप्रोच किया कि आप चलना चाहोगे। न्यू चीज़ें फाइंड करने में अच्छा लगता है क्योंकि मैं कसौली बहुत बार आया हूँ लेकिन इस तरह से नहीं आया। इस तरह से मैं पहली बार ही, पहले फैमिली के साथ आते थे, बस फोटो वोटो खिंचाई, माल रोड पर खाया। सॉरी यार, सांस चढ़ रही है, घूमने भी 10 बज रहे होंगे और ये सीन है यहाँ पे। तो ये सुसाइड पॉइंट है, हमने सोचा नहीं था यार इतना खूबसूरत होगा। बहुत अच्छा है। अब आप इसको कोई भी नाम दे दो यार, उस नाम में क्या रखा है। जगह देखो यार, ये देखो, ये धुआं है या फॉग है या क्लाउड है? ये क्लाउड है जो। अरे यार, जा रहा वहां पे, जा रहा वहां पे। कसौली में आना सफल हो गया। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, मॉल रोड पे 2 चक्कर लगाते हैं, चाय मैगी खाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आपको यहाँ आना चाहिए। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, गिलबर्ट ट्रैक के रास्ते में है। ऐसा स्थान है कि हम यहाँ पे कसौली में आएंगे, लेकिन आपका तो प्लान ये भी नहीं था कि दुनिया में आओगे। अरे भाई, एकदम से प्लान आ गया की तरफ। अब हम यहाँ पे पहुंचे आज सुबह, एक अच्छी सी कॉफी पी। यहाँ आने वाले नहीं थे लेकिन ये हमारे जो दोस्त मिल गए, इन्होंने कहा कि चलो अच्छा है ट्रेल चलते हैं, हमें भी साथ ही चाहिए। वर्थ द वेट, वर्थ द ऑफ। बहुत अच्छा भाई, बहुत ही शानदार व्यू है। क्या है कि मैं यहाँ पे आके हो गया स्पीचलेस। जितना बोल सकते उतना बोल रही है, उतना खूबसूरत है। हिल स्टेशन लगभग किए हैं लेकिन ऐसा व्यू मैंने नहीं देखा है, और मैंने सोचा भी नहीं था कि कसौली में ये दिखेगा भी। ये देखिए क्लाउड्स, देखिए कैसे यार बता रहे हैं इधर। वो हमारे इस पूरे ट्रिप का सबसे बेस्ट टाइम है ये। थोड़ा किसी भी हिल स्टेशन पे आओ, थोड़ा ना अलग, थोड़ा देखना चाहिए कि थोड़ा हटके कि क्या और चीज हो सकती है यार। वैसे हम पहाड़ों, हम यानी कि क्लाउड के ऊपर ही चल रहे हैं। हेलो, अच्छी जगह पे हो यार, चंडीगढ़ से आ गया। अब चंडीगढ़ वालों को जी लोकल ही है। की खूबसूरती को निहार रहे हैं और यहाँ पे आना हमारा सफल हुआ है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। दिस इज वर्थ इट, बहुत अच्छा लगा हमारा यहाँ पे आना, हमको भी बहुत अच्छा लगा। इन्हों का कसूर नहीं हैगा, इन्हों रहना सहना नहीं आंदा, ये जगह इन्हों के लायक नहीं हैगी, इन्हों इतने आना नहीं चाहिए। वैसे हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए आए थे, रात को हमने यहाँ से टेक अवे किया था क्योंकि लेट होने की वजह से यहाँ बैठने की हमें बहुत टाइम ख़त्म हो गया था। पंकज भाई ऑलरेडी बैठे हैं, भूख लगी है, शाबाश जी, खाएंगे। नरक के बीच भी जानो इन लाइन च लगना पड़ना। वी हैव फ्रंट हाफ, मक्खन तो लेंदे यार, उनका मक्खन तो दे। तो ये हमारे होटल का बाहर का व्यू है, ये देखो कितना क्लासिक सा व्यू है। इनको उन्होंने रेनोवेट करके होटल बनाया। ये अपना रूम है, इधर ये देखिए बैठने जाता है, इधर खाना वगैरह खा के बाहर बैठ सकते हैं, बच्चे खेल सकते हैं। इधर इधर इस साइड देखिए, अभी रूम का व्यू दिखाते हैं। तो ये रूम है अपना, तो इन्होंने यानी ये आपको जैसे बताया कि 18th century की ये बिल्डिंग है, तो यहाँ पे जैसे राजा महाराजों का टाइप का बना हुआ, इन्होंने रेनोवेट करा है। ये देखिए जैसे बॉनफायर आजकल तो होता नहीं, होती कैसी है। और इधर आपको सेकंड रूम दिखाते हैं, ये जॉइंटिंग है, ये देखो तो पुराने जॉइंटिंग है, ये कहीं ना कहीं तो कुछ हमें बनता ही है ये। तो फाइनली यार हमारा जो कसौली का ट्रिप था वो यहाँ पे ओवर हो रहा है। अब हम जा रहे हैं, जाते जाते इधर का व्यू ले लो यार, इतनी देखो बारिश कितनी अच्छी लग रही है यहाँ पे। नहीं मन कर रहा है जाने का, फिर भी जाना पड़ रहा है, कोई गल नहीं, अब दोबारा मिलेंगे। तो आप मेरे ब्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।
तो अभी हम चल रहे हैं वापस चंडीगढ़ की तरफ। बाय बाय कसौली।